चलिए, तो आज हम बात करेंगे आपका नया चैप्टर 9th का जो है आपका सेल। ठीक है, तो सेल बायो का सबसे पहला चैप्टर हम टेकअप कर रहे हैं। तो सेल, सबसे पहले सेल का मतलब क्या होता है? देखो, सेल जो है एक लेटिन वर्ड है, ठीक है, और उस लेटिन वर्ड का मतलब है एक काइंड ऑफ लिटिल रूम, लिटिल रूम। ठीक है, जैसे कि एक छोटा सा रूम है, उस वर्ड का, इस सेल वर्ड का मतलब है लिटिल रूम। ठीक है, अब असल में अगर डेफिनेशन आती है कि असल में सेल होता क्या है, तो अगर लेट से मैं अगर आपसे पूछता हूँ कि व्हाट इज़ सेल, तो आप ये नहीं बोलेंगे कि एक रूम है, लिटिल रूम। उसका मतलब है, लेटिन वर्ड है, क्योंकि तो लेटिन वर्ड में अगर हम उसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन देखें तो इट मीन्स लिटिल रूम। ठीक है, बट अगर पेपर में आता है कि व्हाट इज़ सेल, तो बेसिकली आपका आंसर होना चाहिए कि द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, उस चीज़ को हम कहते हैं सेल। ठीक है, तो सबसे पहले डेफिनेशन लिखते हैं एंड उसको समझते हैं कि असल में मतलब क्या है। द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। अब देखो, जो मैंने डेफिनेशन लिखी है, उस डेफिनेशन का मतलब क्या है? देखो, बेसिक स्ट्रक्चरल, तो बेसिक स्ट्रक्चरल का मेरा मतलब है कि लेट से हम कोई एग्जांपल लेते हैं कि आपकी बिल्डिंग। ठीक है, तो आपकी जो बिल्डिंग है वो किससे बनती है? आपकी बिल्डिंग छोटी छोटी ब्रिक से बनती है। ठीक है, और अगर हम बात कर रहे हैं अपने लिविंग ऑर्गेनिज्म, लेट से हम हैं, ये हम लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, ह्यूमंस, तो ह्यूमंस का जो स्ट्रक्चर है, ये पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है, इसका अगर हम मैग्नीफाइड वर्जन देखिए काट कर, तो ये आपका बनता है एक पर्टिकुलर सेल। इसका जो सबसे छोटा पार्ट है, ठीक है, वो है आपका सेल। अब देखिए, आप बोलेंगे कि भाई असल में सर, सबसे छोटा पार्ट तो एटम होता है वर्ल्ड में, तो आप सेल कैसे बोल सकते हैं? तो देखो, इसके दो रीज़न है। हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि असल में सेल आपका सबसे छोटा पार्ट है कहाँ पे? बायोलॉजी में। ठीक है, और केमिस्ट्री वगैरह में हम बोलते हैं कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल इज़ मैटर। प्लस हम ये भी बोल सकते हैं कि असल में जो आपके लिविंग ऑर्गेनिज़म्स होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज़म्स में आपका सेल, मतलब लिविंग जो भी चीज़ लिविंग है, उस चीज़ में हम बोलते हैं आपका सबसे छोटा पार्ट है सेल। ठीक है, बट एटम की बात है, तो एटम हम नॉन, जैसे अगर टेबल वगैरह है तो वो भी तो एटम से बनी है ना, तो हाँ, तो इसीलिए नॉन लिविंग चीज़ों के लिए भी हम एटम यूज़ करते हैं। तो लिविंग, स्पेशली लिविंग ऑर्गेनिज़म्स की अगर मैं बात करूँ, तो उसमें सबसे छोटी चीज़ है आपकी सेल। तो स्ट्रक्चरल, होपफुली आपको समझ आ गया होगा कि क्या मतलब है स्ट्रक्चरल, मैंने क्यों यूज़ करा, क्योंकि आपका पूरा का पूरा स्ट्रक्चर, अगर आप कोई भी अपनी बॉडी पार्ट उठा ले, उसे मैग्नीफाई करके देखे, तो आपको क्या मिलेगा? सेल। दैट इज़ द मिनिमम, दैट इज़ माइन्यूट पार्ट ऑफ योर बॉडी। ठीक है, एंड फंक्शनल, तो फंक्शनल मैंने इसलिए बोला क्योंकि देखो, आपकी बॉडी में अलग अलग सेल है जो अलग अलग फंक्शन करते हैं, जिससे कि आप कोई भी, जैसे अगर आप हाथ उठा रहे हैं, तो अब हाथ उठाने में आपके मसल सेल काम आ रहे हैं कि भाई आप हाथ उठा पा रहे हैं, तो इस टाइप के आपके अलग अलग सेल हैं जो अलग अलग काम करते हैं, तो इसलिए फंक्शन, कि उनका कुछ ना कुछ फंक्शन होता है। तो बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं सेल। ये बेसिक आपकी डेफिनेशन है सेल की। ठीक है, अब थोड़ी बहुत अगर हम डिस्कवरी की बात करें, डिस्कवरी ऑफ सेल, तो सेल किसने डिस्कवर करा था? अगर ये क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी एमसीक्यू वगैरह में, तो काफ़ी फेमस क्वेश्चन है। तो सबसे पहले इन 1665, बेसिकली बहुत पहले की बात है, कि एक रॉबर्ट हुक नाम के एक साइंटिस्ट थे, जिन्होंने क्या करा कि असल में उन्होंने क्या करा था, आपकी जो ट्री होती है ना, ट्री की बार्क, जो बार्क होती है, बार्क को काट के स्लाइस में उनको एग्जामिन करा, कि असल में उन्होंने अपना ही प्रिमिटिव, अपना ही सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप यूज़ करा था। तो उन्होंने ये चीज़ देखी कि असल में सेल जो, उसमें जो छोटे छोटे यूनिट है, छोटे छोटे यूनिट, वो आपके सेल है, मतलब उनको उन्होंने नाम दिया सेल, क्योंकि वो ऐसे लग रहे थे कि मतलब हर एक जो चीज़ है वो काइंड ऑफ छोटे छोटे रूम्स है, जहाँ पे कुछ ना कुछ एक आपका फंक्शन चल रहा है। ठीक है, तो काइंड ऑफ लिटिल रूम्स टाइप लग रहे थे, तो उन्होंने वर्ड दे दिया आपका सेल।
ठीक है, कि वो जो छोटे छोटे आपको दिख रहे हैं जो अलग अलग फंक्शन कर रहे हैं जिसकी वजह से आपका टी जो ट्री का बार्क है वो बना है, तो उसको हमने नाम दे दिया सेल। ठीक है, तो रॉबर्ट हुक नाम के एक साइंटिस्ट थे, एग्जामिन द थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क थ्रू सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप। ठीक है, उनका अपना ही माइक्रोस्कोप था जिनसे उन्होंने बेसिकली देखा था कि आपका जो ट्री की बार्क है, जो उसका कॉर्क है, वहाँ पे देखा कि वो आपका किस तरीके से दिख रहा है और क्या आपको छोटे 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 जो लिटिल रूम्स टाइप दिख रहे थे उनको उन्होंने नाम दे दिया सेल। ठीक है, तो बस आपको यहाँ पे ये एयर थोड़ा सा याद रखना है एंड रॉबर्ट हुक बस, बाकी अगर ज़्यादा याद रखना है तो ये आप सेल्फ मेड्स माइक्रोस्कोप भी याद रख सकते हैं कि यहाँ से उन्होंने बेसिकली सेल्फ अपना ही बनाया हुआ एक माइक्रोस्कोप उनके पास था, वो उन्होंने यूज़ करा था। ठीक है, तो ये बात हो गई आपकी सेल की डिस्कवरी तक एंड आपकी सेल क्या है। ठीक है, अब जब सेल डिस्कवर हो गया, लोग अवेयर होते चले गए, तो हम सब ने एक थ्योरी निकाली, इसको हम बोलते हैं सेल थ्योरी। ठीक है, ये जनरली पेपर में आ जाता है तो काइंड ऑफ इम्पॉर्टेंट है। तो सेल थ्योरी क्या कहती है? सेल थ्योरी बेसिकली उसके 5 पॉइंट्स है, तो वो 5 पॉइंट्स हम देखते हैं कि वो क्या क्या कहती हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट है सेल थ्योरी का, वो ये कहता है कि आपके लिविंग ऑर्गेनिज़म्स, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज़म्स हैं, सारे के सारे आपके सेल से बने। ठीक है, तो ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज़म्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल। ठीक है, आपके जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज़म्स हैं वो आपके सेल से बने। और फिर दूसरा आपकी सेल की प्रॉपर डेफिनेशन कि असल में सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन लिविंग ऑर्गेनिज़म्स। ठीक है, वही जो आपका कि भाई इट इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, वही आपकी डेफिनेशन आ गई। तीसरा जो पॉइंट है वो है कि असल में आपके, देखो आपको ये चीज़ पता होगी और अगर नहीं पता है तो जान लो कि असल में आपकी बॉडी में जो सेल्स हैं, सेल सेम नहीं रहते, आपकी बॉडी में रोज़ नए सेल बनते हैं एंड रोज़ नए सेल मरते हैं। ठीक है, तो वो जो मतलब ये जो प्रोसेस है, इनमें हमने एक चीज़ स्पेसिफाई करी है कि असल में जो नए सेल बनते हैं वो आपके पुराने सेल से ही बनते हैं। ठीक है, ये आपकी सेल थ्योरी का तीसरा पॉइंट है बेसिकली। तो न्यू सेल्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम एक्सिस्टिंग सेल्स। ठीक है, तो ये आपका तीसरा पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट है कि असल में जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती है, जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती है, वो सारी की सारी आपकी सेल के अंदर ही होती है। ठीक है, तो ऑल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ टेक प्लेस इनसाइड अ सेल। ठीक है, अब देखिए मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ की बात हो गई। फिर अगर हम बात करें तो जो लास्ट एंड फाइनल पॉइंट है वो ये है कि आपका अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म जब आता है तो वो स्टार्ट, मतलब जैसे हम हैं, तो अगर हम भी आते हैं तो इनिशियल स्टेज में कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर बन रहा है तो वो बनता है आपके सिंगल सेल से। ठीक है, उसमें सिर्फ और सिर्फ सिंगल सेल होता है। कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर जन्म लेता है, कुछ भी करता है, तो मतलब इनिशियल स्टेज में होता है, तो वो अपनी लाइफ स्टार्ट करता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात कर रहा हूँ, जो अपनी लाइफ स्टार्ट करता है सिर्फ और सिर्फ अपने सिंगल सेल से। ठीक है, तो एवरी ऑर्गेनिज्म स्टार्ट
इट्स लाइफ एज अ सिंगल सेल। ठीक है, तो ये आपके 5 पॉइंट्स है, तो ये आपको याद होने चाहिए कि असल में सेल थ्योरी जो प्रपोज हुई है तो उसका क्या है। अब देखिए, ये जो सेल थ्योरी है ये सारे सेल्स के लिए वैलिड है, सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए वैलिड है, एक्सेप्ट एक्सेप्ट वायरस। जो आपके वायरसेस होते हैं, वायरसेस के लिए ये कुछ सेल थ्योरीज ऐसी हैं, मतलब ये 5 सेल थ्योरीज में से कुछ ऐसे हैं जिनमें वो फॉलो नहीं करता वो चीज़। ऐसा इसीलिए है क्योंकि वायरस का क्या सीन है, वायरस आपका डेड रहता है जब आपकी बॉडी के लिए बॉडी से बाहर है, बट जैसे ही वो बॉडी के अंदर आता है तो वो एक्टिव हो जाता है, वो लिविंग हो जाता है। ठीक है, तो मतलब वायरस को आप अगर फैलाने की हम बात कर रहे हैं कि वायरस अगर फैल रहा है तो वायरस फैलता क्यों है, बिकॉज ऑफ होस्ट, कि उसे होस्ट चाहिए। अगर वो लिविंग होस्ट उसे नहीं मिलेगा तो वायरस डेड है, अगर वो बाहर है तो वो डेड है, वो कुछ आपको इफ़ेक्ट नहीं करेगा अनटिल और अनलेस जब तक वो आपके अंदर नहीं चला जाता, क्योंकि उसे एक लिविंग होस्ट चाहिए जो उसको खाना प्रोवाइड करता है और उसकी वजह से ये लिविंग बन जाता है। तो बॉडी मतलब लिविंग होस्ट के अगर ये बाहर है ऐसी कहीं सराउंडिंग में घूम रहा है तो ये डेड होगा, बट अगर वो किसी लिविंग होस्ट के अंदर चला जाता है, वो कोई भी हो सकता है, लिविंग होस्ट आपके प्लांट्स भी हो सकते हैं, ह्यूमंस भी हो सकते हैं, एनिमल्स भी हो सकते हैं, तो अगर वो उनके अंदर चला जाता है तो आपका वायरस बन जाता है लिविंग उस समय। ठीक है, तो इसीलिए कुछ ऐसे केसेस हैं तो इसलिए हम इसे एक्सेप्शन में ही डालते हैं कि वायरस आपके कुछ फॉलो नहीं करता, तो ये चीज़ भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो अगर हम बोले टाइप्स ऑफ सेल, मतलब टाइप्स ऑफ सेल, तो हमारे पास काफ़ी सारे सेल हैं। ठीक है, तो अभी जैसे कुछ एग्जांपल एग्जांपल ऑफ सेल देखते हैं पहले, तो टाइप्स ऑफ सेल हम क्या देख रहे हैं, एग्जांपल ऑफ सेल देखते हैं पहले, तो एग्जांपल ऑफ सेल्स देखो, तो आपकी अगर हम मैं बॉडी की बात करूं तो आपका एक सेल होता है ओवम सेल। ठीक है, जो है आपका फीमेल गैमेट, ये सिर्फ और सिर्फ फीमेल में होता है गैमेट। फिर आपके जो सिर्फ और सिर्फ मेल में होता है वो होता है आपका स्पर्म सेल। ठीक है, ये आपका होता है मेल गैमेट। इनके बारे में डिटेलिंग आपको करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि 10th में बढ़िया सा एक चैप्टर है पूरा, उसमें पूरी डिटेलिंग आपकी हो जाएगी। हो गया स्पर्म सेल, देन आपके होते हैं मसल सेल, मसल सेल। ठीक है, फिर आपका फैट सेल होता है, ठीक है, न्यूरॉन होता है। तो ये सारे आपके टाइप हैं कि भाई इस इन इन टाइप के आपके सेल्स होते हैं। तो अगर मैं मतलब इनको अगर विजुअलाइज करे तो लेट सी ये दिखते कैसे हैं। तो अगर मैं डालूं ओवम सेल, ठीक है, तो इस तरीके का आपका ये ओवम सेल होता है, ऐसा दिखता है, जो सिर्फ और सिर्फ फीमेल के पास है, फीमेल गैमेट है। ठीक है, फिर अगर मैं बात करूँ आपके स्पर्म सेल की, ठीक है, तो ये आपका है स्पर्म सेल, इस तरीके से दिखता है, जो सिर्फ और सिर्फ मेल गैमेट है। ठीक है, फिर अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट सेल की, जो है आपका लेट से फैट सेल, फैट सेल, तो फैट सेल आपका इस टाइप का है, ये दिखता है, जैसे जनरली आपकी बॉडी में जो फैट इकट्ठा होता है तो वो जो फैट आपका, जैसे जैसे आप कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, तो कोलेस्ट्रॉल के अंदर जो सेल होता है, ठीक है, वो सेल होता है आपका फैट सेल, तो वहाँ पे आपका फैट सेल यूज़ होता है। तो ये है आपका इस टाइप का आपका फैट सेल दिखता है, ठीक है, जिसमें न्यूक्लियस वगैरह हैं। अभी हम सीखेंगे कि असल में सेल का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, तो उसमें आपको पता चलेगा कि न्यूक्लियस वगैरह क्या होता है। फैट सेल हमने देख लिया, देन मसल सेल की अगर हम बात करें तो मसल सेल कैसा दिखता है, तो ये है आपका मसल सेल, जो बेसिकली जो भी आपकी जहाँ पे भी मसल्स हैं तो वहाँ पे आपका ये प्रेजेंट होता है, इस टाइप का इसका ये एक पार्ट है। ठीक है, इसको ये हम बोल सकते हैं, ये है आपका मसल सेल। ठीक है, फिर हम देख सकते हैं एक होता है आपके अगर बोन्स है, हम बोन्स की बात कर रहे हैं तो बोन सेल वहाँ पे यूज़ होता है, बोन सेल। तो बोन सेल लुक लाइक दिस, ये होता है आपका बोन सेल, ऐसा दिखता है। ठीक है, ये है आपका बोन सेल, ठीक है, इस टाइप का। फिर आपका ब्रेन जो है, ब्रेन में आपका प्रेजेंट होता है न्यूरॉन। ठीक है, तो ये होता है आपका न्यूरॉन सेल,
जो बेसिकली आपके ब्रेन में प्रेजेंट है, और आपके जो सिग्नल ट्रांसमिट हो रहे हैं यहाँ से वहाँ, जिसकी वजह से, तो वो आपकी किसकी वजह से हो रहा है, ये न्यूरॉन की वजह से। आपका ब्रेन इसी से बना है जिसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिकल सिग्नल ट्रांसमिट होते हैं इसके थ्रू, ठीक है। ये मिनिमम, अगर हम ब्रेन का सबसे मिनिमम चीज़ देखें, तो मिनिमम मतलब सबसे स्मॉलेस्ट चीज़ देखें कि ब्रेन किससे बना है, तो ब्रेन बना है आपका न्यूरॉन से, कलेक्शन ऑफ न्यूरॉन्स है वहाँ पे, ठीक है। तो ये आपका कुछ एग्जांपल्स थे जो मतलब आपके टाइप ऑफ सेल्स के जो मैंने लिखे हैं उसको विजुअलाइज कराने के लिए कि ये एग्जांपल्स हैं, ठीक है। तो अब लेट्स सी आपकी जीके देखते हैं कि अगर मैं बात करूँ लार्जेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी, अगर मैं बात करूँ लार्जेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी, तो लेट्स सी कि आपका आंसर क्या होता है। एंड अगर मैं बात करूँ लार्जेस्ट सेल इन द वर्ल्ड, वर्ल्ड में सबसे लार्जेस्ट सेल क्या है उसकी बात करूँ, और अगर मैं बात करूँ स्मॉलेस्ट सेल इन द ह्यूमन बॉडी, तो लेट्स सी कि आपको पता है कि नहीं पता है, ठीक है। तो जो लार्जेस्ट सेल इन द ह्यूमन बॉडी है वो सिर्फ और सिर्फ फीमेल के पास है, और वो है आपका ओवम, ठीक है। अब स्मॉलेस्ट सेल सिर्फ और सिर्फ मेल के पास है, वो है आपका स्पर्म, ठीक है। देन लार्जेस्ट सेल इन द वर्ल्ड, वर्ल्ड में अगर हम लार्जेस्ट सेल की बात करें, ह्यूमन बॉडी की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे हम, ठीक है, हम बात कर रहे हैं लार्जेस्ट सेल इन द वर्ल्ड, तो वो आपका है ऑस्ट्रिच एग। ऑस्ट्रिच का जो एग होता है वो आपका लार्जेस्ट सेल है, ठीक है, उससे बड़ा कोई सेल नहीं है दुनिया में। तो ये एक काइंड ऑफ आप नोट समझिएगा कि आपको याद रहना चाहिए, जिससे कि पेपर में अगर बाई चांस आ जाए तो यू कैन आंसर दैट, ठीक है। तो ये आपके होते हैं काइंड ऑफ की सेल होता क्या है ये सब। तो अब हम बात करते हैं कि असल में आपके जो ऑर्गेनिज़म्स हैं, जैसे हम हैं, ठीक है, तो कितने तरीके के ऑर्गेनिज़म्स हैं, उनके क्या टाइप है, कैसे कैसे टाइप हैं, उन सब चीज़ों के बारे में देखते हैं। तो असल में आपकी, अगर मैं बोलूँ टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज़म्स, तो ऑर्गेनिज़म्स बहुत तरीके के, ठीक है, बट मैं जो डिफरेंशिएट अभी कर रहा हूँ ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल, कि नंबर ऑफ सेल किस में कितने सेल है उसके बेसिस पे मैं अभी डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल, ठीक है, नंबर ऑफ सेल के बेसिस पे मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूँ। तो अब देखो कैसे होते हैं, तो देखो सबसे पहला आपका आता है, सबसे पहला है आपका यूनिसेलुलर, ये आप देख ही चुके होंगे अपनी छोटी क्लासेस में, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। कि असल में होता क्या है यूनिसेलुलर, आपके सिंपल एक सेल वाले ऑर्गेनिजम्स। फिर आपके आते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। तो अब एक एक करके इनका डिफरेंस भी देख लेते हैं कि भाई असल में अगर आपके और डिफरेंस आ गया कि यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर में मुझे डिफरेंस बता दो, तो डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहला डिफरेंस अगर मैं बोलूँ, तो सबसे पहला डिफरेंस है कि ये आपका सिंगल सेल से बना है, ये आपके मल्टीपल सेल से बना है, ठीक है। तो दे आर मेड अप ऑफ अ सिंगल सेल, और अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो दे आर मेड अप ऑफ मल्टीपल सेल, ठीक है, ये मल्टीपल सेल से बना होता है। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, अगर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात कर रहा हूँ मैं, तो जितनी भी एक्टिविटी आपका वो ऑर्गेनिज्म कर रहा है, तो सिर्फ और सिर्फ आपका वो सिंगल सेल जो सेल से बना है वो ही सारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करेगा, ठीक है। तो ऑल द एक्टिविटीज़ आर परफॉर्म्ड परफॉर्म्ड बाय अ सिंगल सेल,
ठीक है। और अगर ये मैं यहाँ पे करूँ, यहाँ पे बात करूँ, तो आपकी डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़ आपके डिफरेंट डिफरेंट सेल करते हैं। जैसे हमने देख ही लिया कि असल में आपका सोचने का काम कौन करता है, न्यूरॉन्स, ठीक है। रिप्रोडक्शन में कौन से सेल्स, स्पर्म और ओवम, ठीक है। फिर आपके मसल के लिए उसमें कौन सा सेल, आपके मस्कुलर जो भी टास्क आप कर रहे हैं उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, मसल सेल। आपके फैट में फैट सेल, आपके बोन में कौन सा सेल है, बोन सेल, ठीक है। तो हर एक डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़ के लिए डिफरेंट डिफरेंट सेल एलोकेटेड है, ठीक है। तो यहाँ पर डिफरेंट एक्टिविटीज़ आर परफॉर्म बाय डिफरेंट सेल्स, ठीक है। आपकी जो डिफरेंट एक्टिविटीज़ है वो डिफरेंट सेल करते हैं। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो देयर इज़ नो डिवीज़न ऑफ लेबर, नो डिवीज़न ऑफ लेबर। अब डिवीज़न ऑफ लेबर क्या होता है, अभी मैं डिस्कस करता हूँ एक सेकेंड। और यहाँ पे होता है आपका डिवीज़न ऑफ लेबर, देयर इज़ डिवीज़न ऑफ लेबर। अब डिवीज़न ऑफ लेबर होता क्या है, देखो जैसे कि यहाँ पे आपने देखा कि सारी की सारी एक्टिविटी कौन कर रहा है, आपका कर रहा है एक ही सेल। तो लेबर, लेबर क्या होते हैं आपको पता है, जो भी काम वगैरह करते हैं उन्हें हम लेबर बोलते हैं। तो लेबर यहाँ पे कोई ऐसा लेबर इन्वॉल्व नहीं है, कोई भी काम के लिए अलग अलग लोग एलोकेटेड नहीं है। यहाँ पे जो एक सेल है वही सारे काम परफॉर्म करेगा, बट यहाँ पे अलग अलग लोग अलग अलग कामों के लिए अलग अलग लोग प्रोवाइड करे गए हैं, मतलब लेबर प्रोवाइड करे गए हैं। तो डिवीज़न ऑफ लेबर यहाँ पे होता है, ठीक है। तो अब हमने बात कर ली कि असल में डिवीज़न ऑफ लेबर यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ इसकी लाइफ स्पैन की, अगर जो आपके यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये ज़्यादा टाइम तक ज़िंदा नहीं रह पाते, क्योंकि एक ही सेल है, वो एक ही सेल के बलबूते पे तो वो कितना तो ज़िंदा रहेंगे। बट यहाँ पे आपके जो मल्टी सेलुलर होते हैं वो कंपैरेटिवली उनसे ज़्यादा दिन, उनसे बहुत ही ज़्यादा दिन ज़िंदा रह पाते हैं, ठीक है। तो लाइफ स्पैन इज़ शॉर्ट, आपकी जो यूनिसेलुलर होते हैं उनकी लाइफ स्पैन शॉर्ट होती है, बट यहाँ पे लाइफ स्पैन इज़ लॉन्ग, ठीक है। अब कुछ एग्ज़ाम्पल लिख लेते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम्पल लिखना इम्पॉर्टेंट है। तो एग्ज़ाम्पल के तौर पे हम यहाँ पे लिख सकते हैं अमीबा, अमीबा इज़ योर यूनिसेलुलर, एंड बैक्टीरिया, बैक्टीरिया भी आपका यूनिसेलुलर है, एंड एसेट्रा। और यहाँ पे अगर हम बात करें मल्टी सेलुलर की, तो मल्टी सेलुलर में हम लिख सकते हैं ह्यूमंस, ठीक है। ह्यूमंस आपके हैं जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है। चलिए तो अब एक बेसिक मतलब स्ट्रक्चर, जैसे आपने जब सेल वगैरह देखा तो आपने काइंड ऑफ उनका सिमिलर स्ट्रक्चर कुछ जगह मैच कर रहे होंगे, तो असल में वो बेसिक स्ट्रक्चर होता क्या है, तो उस चीज़ को डिस्कस करते हैं। तो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सेल, ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सेल को डिस्कस करते हैं, बाकी उनकी डिटेलिंग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो देखो सेल कैसा दिखता है, अगर हम सेल को जूम करके देखें तो सेल इस तरीके का है, ये सर्कुलर या ओवल शेप का आपका रहेगा, मैं सर्कुलर बना रहा हूँ वैसे, और बीच में ये इस टाइप का रहता है, ठीक है। यहाँ पे ये सराउंडेड है, उसकी अपनी वॉल है, ठीक है। एक और लेयर बनाएंगे हम, ठीक है, और यहाँ पे भी इसकी अपनी एक लेयर होती है, यहाँ पे, ठीक है। इस टाइप का आपका सेल दिखता है। तो अब सेल की अगर मैं मतलब लेबलिंग करूँ, तो लेबलिंग किस तरीके से है, देखो सेल का जो ये सबसे बाहर वाला पार्ट है, ठीक है, सबसे बाहर जो उसे प्रोटेक्शन दे रहा है काइंड ऑफ, उसको हम बोलते हैं या तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, नहीं तो हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। ये आपका आउटर मोस्ट पार्ट है। फिर आपका ये आता है मिडिल पार्ट, जहाँ पे आपका बेसिकली सारे के सारे जो भी टास्क करने वाले सेल में, सेल भी तो अपना फंक्शन करता है, तो उसके जो टास्क परफॉर्म करते हैं सारी की सारी आपकी सेल ऑर्गेनेलीज जो हम पढ़ेंगे कि क्या होती हैं, वो आपके प्रेजेंट होते हैं। यहाँ लिक्विड सा पोर्शन होता है, जेली टाइप पोर्शन,
उसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। ठीक है, ये आपका है साइटोप्लाज्म। ठीक है, अब देखिए साइटोप्लाज्म आपने देख लिया, और ये पूरा का पूरा, अगर मैं इस पूरे की बात करूं तो ये मेन पार्ट है आपके सेल का, जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस। ठीक है, इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस। अब देखिए न्यूक्लियस के अंदर भी अपना एक डिवीज़न है, वो किस तरीके से है, जैसे न्यूक्लियर यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन था, यहाँ पे आपका होता है न्यूक्लियर। ये देखिए ग्रीन से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ बेसिकली आपका जो इसका पार्ट है, न्यूक्लियस के अंदर का पार्ट, तो इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये मेन पार्ट है आपके पूरे सेल का, मतलब ये अगर नहीं है तो सेल नहीं है। ठीक है, जिस तरीके से हमारे अंदर अगर ब्रेन नहीं है तो हम नहीं हैं। फिर आपका यहाँ पे होता है जिस तरीके से आपका साइटोप्लाज्म है उसकी तरीके से न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, एंड दिस इज न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस। ठीक है, तो ये कुछ डिविजन्स हैं सेल के अंदर के एंड न्यूक्लियस के अंदर के। ठीक है, ये आपका बेसिक स्ट्रक्चर रहता है सेल का, मतलब ये चीज़ें तो रहती है। ठीक है, तो अगर मैं बात कर रहा हूँ इन तीन चीज़ों की, अगर मैं इन तीनों को अलग से लिख दूँ, लेट से मैं लिखता हूँ यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन को आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं, ठीक है ना, तो कंफ्यूज मत होइएगा। फिर सेल मेम्ब्रेन हो गया, और अगर मैं बात कर रहा हूँ साइटोप्लाज्म एंड आपका न्यूक्लियस, अगर ये तीन जो आपके हैं इन तीनों को मिला के, इन तीनों, जैसे अगर वर्ड कभी यूज़ हो जाता है प्रोटोप्लाज्म कुछ ऐसा अगर वर्ड यूज़ होता है, तो इन तीनों का कॉम्बिनेशन हम बोलते हैं उसे प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, और प्रोटोप्लाज्म को अगर हम बेसिक वर्ड में डिफाइन करें तो इट इज़ द लिविंग कॉम्पोनेंट ऑफ द सेल। ठीक है, लिविंग कॉम्पोनेंट है आपका सेल का, तो उसको हम बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, तो होपफुली ये समझ आया होगा आपको कि असल में बेसिक स्ट्रक्चर किस तरीके से दिखता है। जनरली अगर हम सारे सेल देखें तो उसमें न्यूक्लियस हो गई होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई होगा, साइटोप्लाज्म हो गई होगा, कोई भी आप सेल निकाल के देख लीजिए। ठीक है, तो चलिए फिर आपके लिए जो होमवर्क रहेगा, होमवर्क आप सिंपल रिवाइज ही करिएगा, और थोड़े बहुत मतलब इस तरीके से देखिएगा कि आपके जो सेल्स हैं उन सेल में देखिएगा कि क्या उनमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है, ये न्यूक्लियस वगैरह ये प्रेजेंट है कि नहीं है। ठीक है, ये चीज़ आप देख सकते हैं। उसके अलावा बस ये रिवाइज और वो चीज़ देखिएगा। ठीक है, तो अगर कोई डाउट होता है इसमें तो पूछिएगा। बाकी फिर चलिए फिर आज की वीडियो के लिए बस इतना ही।